नमस्कार दोस्तों, न्यू अल्ट्रा के बॉडी पात्र के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बैलिस 20 गाड़ी की बॉडी और कैबिन का रिव्यू जो कि न्यू अल्ट्रा के बॉडी पात्र में तैयार किया गया है, और आपको दिखाएंगे कैसा कैसा मटेरियल गाड़ी में लगाया गया है और कैबिन के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैबिन की बात करते हैं। आप कैबिन देख सकते हो, फ्रंट से टोटली हैवी गेज स्टील में काम हुआ है कैबिन का, और आप देख सकते हो फ्रंट से सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है विचकार में, और स्टील के ऊपर आप रेडियम टेप की डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं, गुड कैरियर की बैजिंग और एलईडी लाइट्स का काम भी देख सकते हैं। ऊपर भी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं टूल के, और अंदर की साइड भी देख सकते हैं आप बाबा जी के मंदिर के ऊपर वाली साइड भी। तो दोस्तों एलईडी की लाइट का भी खूब काम हुआ है गाड़ी में, कैबिन के अंदर भी काफ़ी काम हुआ है एलईडी लाइट्स का, वो भी आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों ऊपर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं उसके नीचे शुभ लाभ ऑल इंडिया परमिट और ओम की बैजिंग आप देख सकते हैं, और अगर खंडों की बात की जाए दोस्तों आप खंडे देख सकते हैं, स्टील के खंडे इस गाड़ी के लगवाए गए हैं बहुत ही हैवी में। और अगर उसके नीचे बात की जाए तो जो इसकी शो का पेंट है वो ओरिजिनल ही रखा गया है, और सिर्फ ये विचकार ही पेंट किया गया है मेटालिक पेंट ओरिजिनल, जो कि गाड़ी की को अच्छी लुक देता है। तो दोस्तों उसके नीचे देख सकते हैं अशोक लेलैंड का ओरिजिनल लोगो, और बम्पर की बात करें दोस्तों बम्पर पर ओरिजिनल मेटालिक पेंट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी की लुक निकल कर सामने ही है। तो आप देख सकते हैं नीचे बम्पर के ऊपर भी हैवी बम्पर फिटी लगाई गई है ताकि ड्राइवर ऊपर चढ़कर शीशों की सफाई कर सके, और उसके ऊपर रेडियम टेप का काम देख सकते हैं आप रेंज रोवर, और नीचे देख सकते हैं आप नीचे भी स्टील के ऊपर रेडियम टेप का काम हुआ है। जब तकदीर चलती है तब दुनिया जलती है, उस बैजिंग देख सकते हैं आप। तो दोस्तों टोटली गाड़ी का काम बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और दोस्तों अगर साइड से बात की जाए तो साइड पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर वाटरप्रूफ प्लाई का बोर्ड बनाया गया है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं टोटली हैवी गेज स्टील का काम, उसके ऊपर रेडियम टेप की बैजिंग, और टाके के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों आप जेड का डिज़ाइन बनाया गया है, मेटालिक पेंट किया गया है टाकियों के ऊपर, बहुत ही शानदार। और दोस्तों अगर फ्रेम की बात की जाए तो डबल जाली वाले फ्रेम इसमें लगाए जाते हैं गाड़ी के, दो जाली और एक ग्लास मतलब कि शीशा इसमें लगा होता है, सिंगल जाली वाले भी होते हैं तो उसमें डबल जाली वाले लगाए गए हैं। और टोटली काम आप देख सकते हैं स्टील का और एल्युमिनियम के गोलों के साथ फिक्स किया जाता है, टोटली बहुत ही मजबूती से काम किया जाता है, कोई आपको कंप्लेंट नहीं आएगी इसे कि खड्डों में कैबिनों में आवाज़ आने लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे काम में बहुत ही ध्यान से और सफाई से यहाँ पर काम किया जाता है। और उससे नीचे आप देख सकते हैं जेड के नीचे 4 इंची महाराजा गोला, और उसके नीचे चक्कर प्लेट चादर देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाई गई है गोलों की डिज़ाइनिंग के साथ। और उसके नीचे आप मगराट देख सकते हैं, बिना विदाउट ज्वाइंट वाला मगराट इसमें लगाया गया है, कोई इसमें ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट वाला मगराट भी आता है लेकिन वो सस्ते होते। तो दोस्तों आप टोटली काम देख सकते हैं बहुत ही शानदार किया गया है गाड़ी का, और आप हमारी ये न्यू अल्ट्रा के बॉडी पात्रा की बैजिंग देख सकते हैं न्यू अल्ट्रा के बॉडी पात्रा, और हमारे फ़ोन नंबर शो हो रहे हैं आप नोट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वर्कशॉप पात्रा शहर में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में पड़ती है, आप यहाँ आकर गाड़ी का काम करवा सकते हैं, हमारे पास लेबर की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से आपको गाड़ी मिलेगी और जो भी काम आपको बोला जाएगा वही करके दिया जाएगा, कोई भी ठगी वाला काम यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होता, आप हम पे विश्वास कर कर गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी आप देख सकते हैं 30 फुट इस बॉडी की लेंथ है, और इसमें आप देख सकते हैं 3 एंगल डबल किए गए हैं, ये गाड़ी ओवरलोड भी नहीं हम कह सकते क्योंकि ओवरलोड में तो 5 एंगल डबल करते हैं हम, 4 भी करते हैं, और अंडरलोड भी नहीं कह सकते क्योंकि अंडरलोड में 2 एंगल डबल करते हैं, इसमें 3 है, तो ये गाड़ी अंडरलोड से थोड़ी ज़्यादा हैवी है, ओवरलोड से थोड़ी कम है, तो ये बढ़िया हैवी लोड इसमें डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतनी हम इसको ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं कह सकते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी इसमें टोटल 20 एंगल एक साइड लगाए गए हैं, दोनों साइड 40 एंगल इसमें लगाए गए हैं,
और इसमें 12 बत्ते लगाए हैं, 3 इसमें 5 इंची बत्ते, एक 3.5 इंची बत्ता जो बैक साइड पे लगाया जाता है, और बाकी 2.5 इंची के बत्ते। टोटल ओरिजिनल मलेशिया साल में इसके बत्ते लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बत्ते, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल मलेशिया साल है। आप कहीं भी चेक करवा सकते हैं, फुल हमारी गारंटी रहेगी, हम आपको लिख कर दे सकते हैं, सिर्फ बत्ते। और अगर फर्श की बात की जाए, वह कॉपी मलेशिया साल है, ओरिजिनल मलेशिया साल की जो, जैसे कि ये बॉडी 30 फुट है, तो ओरिजिनल मलेशिया साल 30 फुट की मिलती ही नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलती। जो कि आपको बताएगा कि ये ओरिजिनल है तो आपको झूठ बोल रहा है, ओरिजिनल 30 फुट की मलेशिया, ओरिजिनल मलेशिया बिल्कुल ही नहीं आती। तो दोस्तों इसमें कॉपी का मलेशिया साल का फर्श लगा हुआ है, सिर्फ बत्ते बत्ते ओरिजिनल मलेशिया साल के हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे फर्श के नीचे देख सकते हैं आप, चादर से जो भी इसमें बिल्ड होती है उसको बंद किया गया है, ताकि कोई भी धूल मिट्टी और चीकड़ अंदर ना जाए। और आप एलईडी लाइट्स देख सकते हैं, आप एलईडी लाइट्स नीचे लगाई गई हैं। और ये आप देख सकते हैं मगराट बहुत ही अच्छे तरीके से फिट किया गया है, ऊपर भी देख सकते हैं आप, ताकि टायर ऊपर को चीकड़ ना फेंके, इस तरीके से ये बहुत अच्छा लगाया गया। चैनर देख सकते हैं आप, बहुत ही हैवी चैनर इसमें लगाया गया है। तो दिल्ली जाल देख सकते हैं आप, यूरिया टैंकी को कवर किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली जाल के ऊपर रेडियम टेप का काम भी किया गया है, रकाबे देख सकते हैं आप, डबल रकाबे गाड़ी में डाली गई है, जो कि गाड़ी को बहुत ही नीचे से मजबूत बना देती हैं। तो दोस्तों आप नीचे से देख सकते हैं हमारा काम बहुत ही सफाई से और मजबूती से काम किया गया है, टोटली सारा पीछे से देख सकते हैं आप, पीछे भी रकाबे डाली गई हैं और बचकार में भी, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर बॉडी के ऊपर पेंट की बात की जाए, तो बिल्कुल ओरिजिनल पेंट गाड़ी को किया गया है, बेस्ट क्वालिटी का, और आप पेंटिंग देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर, और लोरों के ऊपर भी डिज़ाइन देख सकते हैं। डबल कुंडी इसमें लगाई गई है रस्सा टाइट करने के लिए, एक लाइन नीचे है और एक आप ऊपर देख सकते हैं, और बॉडी के ऊपर भी रेडियम का काम आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी रात को, तो बॉडी की लुक आपको शाम को और अलग ही, जिससे कि वो भी हम आपको वीडियो में लास्ट में देख सकते हैं, गाड़ी का नाइट व्यू आगे आपको दिखाएंगे वो भी। तो दोस्तों आप लरों के ऊपर भी डिज़ाइनिंग, सबसे नीचे वाली लर के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टील लगाई गई है, और उसके ऊपर इस कंपनी की जो गाड़ी है उसकी बेजिंग की गई है, MS महालक्ष्मी सेल एंड सर्विस। तो दोस्तों ये अबोहर की गाड़ी है, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे ये अबोहर शहर पड़ता है, वहाँ की ये गाड़ी है। YouTube पे हमारी वीडियो देखकर ये कस्टमर हमारे पास आए थे। तो दोस्तों पीछे से आप देख सकते हैं गाड़ी का काम बहुत ही शानदार काम हुआ है, गाड़ी का पीछे से बहुत ही हैवी बनाया गया है, 2.5 फिट का डाला है इस गाड़ी का, और रेडियम टेप का काम देख सकते हैं आप गाड़ी के पीछे, नीचे जाखर की बैजिंग और डंडे के नीचे भी स्टील लगाई गई है, और उसके ऊपर रेडियम का काम किया गया है, और लकड़ी के साल के फट्टे इसमें लगाए गए हैं, मेटल के फट्टे भी डाले जा सकते हैं, लेकिन इसमें लकड़ी के डाले हैं, वो कस्टमर की चॉइस होती है, चाहे मेटल के डलवा सकता है चाहे लकड़ी के डलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों दूसरी साइड से देख सकते हैं आप, फट्टा बॉक्स बनाया गया है, इसमें फट्टे रखने की स्पेस बनाई गई, और ये हमारा पेंटर पाल पेंटर बाईपास पातना की बेजिंग बहुत ही शानदार है भाई साहब का काम, और बॉक्सिंग की फ़ोटो गाड़ी के ऊपर कस्टमर की चॉइस से लगाई गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल गाड़ी बहुत ही शानदार तैयार हुई है, दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं गाड़ी, और आपको गाड़ी के ट्राले के बीच में भी दिखाते हैं कि बीच में से गाड़ी कैसे तैयार हुई है। तो दोस्तों गाड़ी के बीच पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी की बैक साइड 3 चैनल के साथ बहुत ही मजबूत बैक बनाई गई है, हैवी चद्दर के साथ, जितना भी लोड आप इसमें लोड कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे ड्राइवर कंडक्टर को, ऐसा नहीं होगा कि डू
लोड के साथ पिचकी जाएगी, क्योंकि ये बैक साइड एक बहुत ही रिस्क वाला काम होता है। अगर हैवी लोड जैसे सरिया कोई भी चीज़ पीछे ला दे और गाड़ी को ब्रेक पड़ती है तो वो आगे को धक्का मारता है। अगर कमज़ोर अगर बैक कमज़ोर होगी तो वो आगे ड्राइवर को और कंडक्टर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मटेरियल पे बहुत ही हैवी लगाना पड़ता है, चादरें भी और चैनर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लरें देख सकते हैं, ये भी कॉपी मलेशिया साल की लरें हैं और फर्स्ट देख सकते हैं आप, लेकिन ये होती साल ही है, लेकिन ये ओरिजिनल मलेशिया साल होती, कॉपी साल इसको कहते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें भी, बहुत ही हैवी लकड़ है, लोहे जैसी ये लकड़ी होती है। इसका साल का नाम ही इससे पड़ा है कि 100 साल ये लकड़ी चलती है, साल 100 साल, इसलिए इसको साल की लकड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 6 पत्ते ऊपर डाले गए हैं 2.5 इंची के, ये भी मलेशिया साल की लकड़ी गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी के अंदर ट्राले का काम भी बहुत ही हैवी और बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों अब आपको कैबिन के अंदर से दिखाते हैं कैबिन में कैसा काम हुआ है, तो आइए कैबिन में चलते हैं। तो दोस्तों कैबिन के अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं बाहर से सीढ़ी टाला सीनरी टाकी के ऊपर लगाई गई है, और आप देख सकते हैं टिस्को का लॉक ओरिजिनल, कोई कंप्लेंट नहीं है इसमें, और ये लंबी चाबी वाला लॉक, ये इसकी चाबी है। और आइए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा काम हुआ है कैबिन के। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर पहुंच चुके हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कैबिन के अंदर आपको कमरे जैसी फीलिंग आएगी, बिल्कुल कमरे जैसा कैबिन अंदर से तैयार किया गया है, बेडरूम जैसा। और आप सबसे पहले बेड देख सकते हैं, बहुत ही खुला डुला बेड बनाया गया है 5 इंची गद्दे के साथ, जिसमें 2 या 3 आदमी भी आराम से सो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कपड़ा, बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा इसमें लगाया गया है। और दोस्तों आप बाकी कैबिन की भी लुक देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कैबिन ये तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं सनमाइका बिल्कुल नए डिज़ाइन में, 3D सनमाइका, कस्टमर ने आप पसंद किया था ये सनमाइका, हमको पिक्चर भेजी थी कि यही सनमाइका लगाना है, तो बहुत ही मुश्किल से ये सनमाइका हमने ढूंढ कर इस गाड़ी में लगाया है। इस सनमाइका की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, आप देख सकते हैं दोस्तों सनमाइका। और गाड़ी में डिज़ाइन भी देख सकते हैं, बॉक्सेस बनाए गए हैं, आप ये देखिए सबसे पहले बड़ा बॉक्सेस पीछे बनाया गया है, जिसमें कि ड्राइवर भाई अपने कपड़े और भी खाने पीने का सामान इसमें स्टोर कर रख सकता है। और नीचे देख सकते हैं आप डिज़ाइनिंग, और बैक साइड 3D ट्राला सीनरी आप देख सकते हैं, ये भी सनमाइका के डिज़ाइन की ही है, बिल्कुल नए डिज़ाइन का ट्राला सीनरी। और इधर देख सकते हैं आप 24 वोल्ट फ़ैन, गर्मी का मौसम आ गया है अब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों इधर इन्वर्टर देख सकते हैं आप, मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं इसमें, लैपटॉप चार्जर। और दोस्तों LED लाइट्स का काम देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार काम ये LED लाइट्स का हुआ है। और मिल्टन के स्पीकर ये देखिए, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इनकी, तो हम आपको चला कर नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे। तो दोस्तों टोटली गाड़ी का काम शानदार हुआ है, फ्रंट से देख सकते हैं आप गाड़ी की डिज़ाइनिंग, बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये देखिए ड्राइवर बाइक के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे गाड़ी के कागजात और जरूरी सामान रख सकता है। और एक विचकार में भी बॉक्सेस बनाया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लॉक इसमें लगाए गए हैं। और एक कंडक्टर भाई के ऊपर बनाया गया, कंडक्टर भाई के लिए बॉक्स, इसमें कंडक्टर भाई अपना सामान अलग से रख सकता है। और ये दोस्तों 5 छाता ये गाड़ी है, छत के ऊपर भी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं आप, फाइबर के साथ LED लाइट्स के साथ ऊपर भी डिज़ाइनिंग की गई है। और दोस्तों ये LED लाइट्स का जो काम है ये टाकी के साथ कनेक्ट है, पहले भी हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है कि जब टाकी को बंद करेंगे तो LED लाइट्स बंद हो जाएगी, ये देखिए जैसे कारों में होता है, अगर इसको खोलेंगे तो ये जल जाएगी। ये आपको किसी बॉडी बिल्डर में ये फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये हम जहाँ आपको लगा कर देते हैं, टाकी के साथ लाइट कनेक्ट होती है, जब भी आप रात के टाइम अपना कहीं पर भी गाड़ी खड़ा करके आप टाकी खोलेंगे तो अंदर लाइट्स अपने आप चल जाएगी, ये देखिए ये टाकी के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों इधर सामने देख सकते हैं आप बाबा जी का मंदिर बनाया गया है, इसमें भी LED लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही शानदार स्टील का बनाया गया है ये। और सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी, जहाँ पे ड्राइवर भाई अपना मोबाइल रख सकता है सामने, और उसके ऊपर ग्रास फिक्स किया गया है।
और एक बॉक्स ये बनाया गया है इधर, और ये स्टीरियो लगा हुआ है डबल एम्पलीफायर वाला, डबल आईसी, बहुत अच्छी क्वालिटी उसकी। और इधर स्विचेस देख सकते हैं बिल्कुल ड्राइवर बाइक के ऊपर, ताकि गाड़ी चलाते समय इसको यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। और प्रेशर हॉर्न गाड़ी में लगाया गया है, जो कि अलग अलग बाजे ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कनेक्टर वाली साइड ट्रिस्को लॉक लगाया गया है, ये अंदर से लॉक हो जाता है। अगर इसको ऊपर कर देंगे तो कोई भी बाहर से टाकी को खोल नहीं पाएगा। आपको दिखाते हैं ये। तो दोस्तों अब ये लॉक हो गया, अब ये बाहर से नहीं खुलेगा। ये बहुत अच्छा फंक्शन है इसमें, अब ये ओपन हो गया, अब बाहर से खुल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों आप यहाँ हमारे आकर गाड़ी का काम निश्चिंत होकर करवा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर वीडियो के नीचे भी शो हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ोन पे पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। आप प्राइस के बारे में और भी कोई भी जानकारी हो आप फ़ोन पे ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चलता है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें और हमारी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी, ताकि हम आपके लिए और भी गाड़ी की बॉडी की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।